नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। रविवार को सीओ कैराना अमरदीप मौर्य ने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने सट्टा खाएबाड़ी करने वाले एक युवक को सट्टा पर्ची व रजिस्टर और कॉपी सहित गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से नकदी भी बरामद की गई है। पकड़ा गया युवक प्रवीण पुत्र श्याम लाल निवासी मोहल्ला बीचकीला थाना कैराना ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह अपने साथी काला उर्फ रामेश्वर उर्फ कबर बिज्जू पुत्र देवीचंद के साथ सट्टा खाएबाड़ी अभिषेक पुत्र राजेश कुछल निवासी ग्रीन सिटी गंगानगर जनपद मेरठ के साथ करता था और अभिषेक मेरठ में रहता है। काला उर्फ रामेश्वर उर्फ कबर बिज्जू उससे पैसे ले जाकर अभिषेक तक पहुंचाता है। सट्टा खाएबाड़ी में जो मुनाफा होता है उसे वह बराबर बांट लेते हैं। कल दिनांक 4/3/2023 को मोहल्ला बीचकियाल थाना कैराना शामली के अंतर्गत तीन व्यक्तियों को जुआ खेलते समय एक मकान से गिरफ्तार किया गया है और इनमें से दो तो नहीं मिले लेकिन एक व्यक्ति मिला है जिसका नाम है प्रवीण सना श्याम लाल, ये कैराना के ही रहने वाले हैं। दूसरा कालू उर्फ रामेश्वर, ये भी कैराना के रहने वाले हैं। तीसरा व्यक्ति जो है वो अभिषेक कुछल है, ये गंगानगर के रहने वाले हैं। इनके पास से एक रजिस्टर, एक डायरी और पेन और कैलकुलेटर और ये 4,080 रुपये नगद मिले हैं। सर कौन मास्टरमाइंड है और कब से चल रहा है? इसमें मास्टरमाइंड अभिषेक कुछल हैं और ये चूंकि मेरठ के रहने वाले हैं, जब हमारे यहाँ कैराना में सूचना मिली कि यहाँ जुआ खेला जा रहा है तो हमने इनकी गिरफ्तारी की और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक अग्रिम कार्रवाई की जरिए। वक्त हो चला है आप सभी लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।